आज सुबह जब हम यमुनोत्री धाम से निकले गंगोत्री यात्रा के लिए, तो रास्ते में एक गांव में शादी समारोह हो रहा था। हमने सोचा क्यों ना उत्तराखंड की शादी में शामिल होकर कुछ उधर की परंपराओं को समझा जाए, और हम सपरिवार उस शादी समारोह में सम्मिलित हुए। जो उत्तराखंड में हम एक शादी समारोह में सम्मिलित हुए हैं, और आज दिन भर शादी के कार्यक्रम चलते रहे। अब शाम को विदाई का वक्त आ गया है और विदाई की रस्में पूरी की जा रही हैं। और इधर आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे लोग लड़की पक्ष के लोग हैं, और अभी नीचे मैंने जो दिखाया था वो लड़के पक्ष के लोग नाच गा रहे थे, और हम लोग भी इन खुशियों में शामिल हुए हैं। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन लोगों की खुशियों में, शादी में हम लोग सम्मिलित हुए। और हमारे साथ आप भी देखिए, और आप भी इस शादी का लुत्फ उठाइए। आप देख रहे होंगे सजावट भी की गई है, और सारे लोग बड़े उमंग में हैं। पंडित जी भी यहाँ खड़े हैं, और आपने शादी की रस्में पूरी कराई हैं, और बच्चियाँ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, सारे लोग बड़े उत्साह में हैं, और दूल्हा भी बहुत, अभी डांस भी होगा, वो बताया जा रहा है कि अभी डांस भी होगा। और विदाई का पल, विदाई तो चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड में, विदाई तो लड़की की विदाई में तो भाई लड़की पक्ष के लोगों को भाई रोना तो सबको आता है। आप लोग विदाई में तो सारे लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को विदा करेंगे तो जरूर दो आंसू तो छलकेंगे आंखों से। तो आप देख रहे होंगे कि विदाई, और एक अच्छी बात, जो पास के ही गाँव से बारात आई है और नजदीक ही सुबह बारात आई थी, दिन भर शादी की रस्में पूरी की गई, और अब विदाई का क्षण आ गया है।